हेलो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है ना। नोटिफिकेशन में सब कुछ बताते नहीं है। ये देखिए सचिव, यहीं जमा कराना है। और जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। ये देख लीजिए, ऐसे फॉर्म सबमिट होता है। हम भी कर रहे हैं, ये रहा हमारा फॉर्म। तो इस तरह से भर्ती हो रही है। और ये सामने 22 को मध्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग का कार्यालय है। एड्रेस तक सही से नहीं दिया गया, लेकिन ये विकास भवन में है। तो यहाँ इस तरह से बिना आइडेंटिटी कार्ड के सबका फॉर्म सबमिट किया जा रहा है। पता नहीं इनको एंट्री के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं। 26 तारीख को इंटरव्यू है इनका, देख सकते हैं। अब बताइए, इस तरह से विभाग में होगा? देखिए यहाँ पे कितने सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। ये सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आए हैं। यहाँ वीडियो भी बनाया गया था, जो स्टाफ आए, कुछ क्लिप है हमारे पास। मेरे पीछे विकास भवन है और यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी और यहीं इसी सचिव में डाटा एंट्री के लिए टाइपिंग कराया जाएगा। तो अगला डेट जो 26 तारीख को है, उसमें क्या होगा, भर्ती रद्द होगी या सीट की ना जाएगा, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको देंगे। फिलहाल अगर आप चाहते हैं सभी अपडेट पाना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आपको अपडेट जरूर देंगे, चाहे हमें किसी भी माध्यम से पता चले। अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। क्या अपडेट है आपके पास, वो आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे पास अगर कोई अपडेट आएगा तो हम जरूर इस पर अपडेट देंगे, वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल आप इंतजार करिए कि 26 तारीख को क्या होगा।